धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान समेत कुल 10 देशों पर सख्त एक्शन लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने जानकारी देते हुए बताया कि चीन और पाकिस्तान को अब अमेरिका ने एक विशेष निगरानी सूची में डाल दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका ने करीब 10 ऐसे देशों को विदेश निगरानी सूची में डाला है जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि ये सभी देश धार्मिक उत्पीड़न को अपने देशों में रोकने में नाकाम रहे हैं। इन देशों में म्यांमार, चीन, ईरान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इरिटेरिया और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। इन देशों के अलावा कोमोरोस, क्यूबा, निकारागुआ और रूस को भी एक अलग सूची में डाला गया है, जिन पर धार्मिक स्वतंत्रता को दबाने के आरोप लगे हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान में हर रोज अल्पसंख्यकों को दबाने का काम किया जा रहा है। कई बार पड़ोसी मुल्क से हिंदू लड़कियों के अगवा होने और उनके जबरन शादी कराने की खबर सामने आती है। इसके अलावा भी पाकिस्तान में कई बार विदेशी मूल के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। भारत की ओर से कई बार कूटनीतिक तरीके से भी इन मसलों को उठाया गया है। चीन में मुसलमानों को धार्मिक आज़ादी नहीं दी जा रही है और एक तरह से कैंप में बंद किया गया है, जहां जबरन मजदूरी करवाई जाती है। सिर्फ कुछ देशों को ही नहीं बल्कि अमेरिका द्वारा कुछ संगठनों का भी नाम जारी किया गया है, जिन्होंने दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता को दबाने का काम किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के मुताबिक इनमें अल शबाब, अलकायदा, बोको हरम, हयात तहरीर, अल शाम, ISIS, ISIS ग्रेटर सहारा, ISIS वेस्ट अफ्रीका, तालिबान जैसे संगठनों के नाम शामिल हैं। अमेरिका ने इन संगठनों को फ्रैंक आर वॉल्फ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 2016 के तहत विशेष सूची में डाला। अगर चीन की बात करें तो उइगर मुसलमानों के साथ चीन किस तरह का बर्ताव कर रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने पहले भी इस मसले पर चीन को चेताया है और अब इस सूची में चीन और पाकिस्तान समेत 10 देश और शामिल हो गए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।